मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय वी ब्लॉग। सो फाइनली आज हम जा रहे हैं पोखरा सनराइज के लिए, सूर्य उदय देखने के लिए पोखरा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय वी ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं सनराइज के लिए पोखरा में, Day 3 Part 2। प्लीज आप लोग कनेक्ट रहिएगा। और मैंने कल रात को मेरे Part 1 का वीडियो अपलोड किया है, उसे आप देखना मत भूलिएगा। प्लीज प्लीज प्लीज, मिलते हैं। गाइस, सुबह के 6 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे। गाइस, फाइनली हम लोग सनराइज के लिए आ चुके हैं। सूर्य नारायण का वेट करते हुए सुबह के 6। सनराइज हो चुका है और सनलाइट्स भी आ चुकी है। आई कवर्ड वेरी गुड शॉट्स ऑल्सो। और राइट नाउ आप देख सकते हैं हिमालय ओवर देयर, अन्नपूर्णा पर्वत है, आदि पर्वत है। यहाँ से हम पूरे 7 पर्वत देख देख सकते हैं। सो गाइस, फाइनली हमारा सनराइज कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं सनराइज हो चुका है और माउंटेन्स हमने कवर किए हैं, एज वेल एज पूरा व्यू। ट्राई टू कवर एवरीथिंग। और फिर यहाँ से अब हम थोड़ी देर में निकलेंगे विथ माउंटेन व्यूज के साथ। माउंटेन बाइक्स, सो फाइनली अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। और आज का हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है बंजी जंपिंग। तो प्लीज टू बी कंटिन्यू विथ मी, मिलते हैं बंजी जंपिंग। बाय बाय। हाय गाइस, रेडी फॉर बंजी जंपिंग? गोइंग फॉर बंजी जंपिंग? बाय बाय। बंजी जंपिंग के लिए आए हैं और बंजी जंपिंग के साथ आप यहाँ का पोखरा का वेदर देख सकते हैं। अभी शायद आपको आपको कुछ दिख जाए, मुझे तो दिख नहीं रहा है। देख सकते हैं आप, कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ से पूरा डार्क हो रखा है, पूरा फॉगी एटमोसफियर हो रहा है। और बंजी जंपिंग की हम लोग तैयारी यहाँ पे कर दी है, इन्होंने स्टार्ट कर दी है। थोड़ी ही देर में हम चलते हैं बंजी जंपिंग के लिए। Na 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 na
सो गाइज फाइनली वी कम्प्लीट द बंजी जंपिंग। बंजी जंपिंग के फोटोज और वीडियोज मोबाइल से नहीं लिए हैं, बट यहाँ से हमें फोटो वीडियोज दिए जाते हैं। मतलब बंजी जंपिंग के लिए जो हम चार्ज यहाँ पे करते हैं अप्रॉक्स इंडियन रुपीज 4,000 रुपीज, उसमें हमें फोटो वीडियोज इंक्लूडेड है और वो हमें देते हैं। फाइनली 101 मीटर का बंजी जंप हम लोग यहाँ पे करते हैं और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। उसके फोटोज़ और वीडियोज़ आई विल शेयर इन माई ब्लॉग टू बी कंटिन्यू विथ मी। बाय बाय। पोखरा साइड सीन है। पोखरा साइड सीन में हम लोग आज कवर कर रहे हैं। सुबह में 5:30 बजे हमने कवर आउट किया था सनराइज सारंगकोट, और सेकंड डेस्टिनेशन पे हम चलते हैं पोखरा में। ये देवी माँ का मंदिर है, विंध्यावासिनी मंदिर, नेपाली में लिखा हुआ है। चलिए चलते हैं विंध्यावासिनी टेंपल यहाँ से। सो गाइज माता रानी का टेम्पल है वहाँ पे, शंकर भगवान का भी एक छोटा सा मंदिर है। चलते हैं अंदर। नहीं इसमें से नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः हर 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 महादेव। सो गाइज मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, हम लोगों को यहाँ से ही डिटेल्स में जाना पड़ेगा और पर्टिकुलर यहाँ से ही आप देख सकते हैं मंदिर को। और यहाँ के जो राजा थे सिद्धि नरसिंह जी, वो ये माता जी को लेके आए थे विंध्यवासिनी से, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे ये माँ की स्थापना की है। और ये मंदिर 300 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर पोखरा का सबसे पुराना मंदिर है देवी माँ का। और स्वयं मंदिर बाहर से ही पूरा हमें देखना रहेगा। नेपाल में काफ़ी सारी ऐसी जगह है जहाँ मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है, तो जो भी सीनरी या जो भी हमें कवर करना है, एक्सप्लोर करना है, वो हमें बाहर से ही करना रहेगा। डेस्टिनेशन पे आ गए हैं सेती रिवर। यहाँ पे हमें टिकट लेनी होगी। नेपालीज 60 रुपीज, इंडियन 40 रुपीज। सो गाइज ये सेती नदी है। सेती नदी का पानी जो है वो वाइट कलर का होता है, वो डायरेक्ट मुक्तिधाम से आता है। मुक्तिधाम पोखरा से 180 किलोमीटर दूर है। वहाँ एक नदी है मुक्तिधाम करके, और वहाँ का डायरेक्ट पानी यहाँ पे सेती नदी में आता है। सेती नदी के ऊपर एक डैम बनाया गया, वो डैम मैं आपको दिखा रही हूँ। गाइस ये नदी के ऊपर एक डैम बनाया गया है, आप देख सकते हैं पूरा डैम। ये डैम के अंदर दो नदी का पानी है, एक सेती नदी है और दूसरी है काली नदी। ये दो नदियों का पानी मिक्स करके ये डैम बनाया गया है, और इसके नीचे सेती नदी ओरिजिनल है जहाँ पे सिर्फ आपको सफेद पानी देखने मिलेगा। लोग देख सकते हैं नीचे नदी है और इसका पानी आपको पूरा सफेद देखने को मिलेगा,
पूरा व्हाइट वाटर है। ये मुक्तिनाथ से होते हुए हिमालयन जो वाटर है, हिमालय से जो पानी आता है डायरेक्ट, वो पानी है। ये देख सकते हैं आप। के दर्शन हो चुके हैं, हमने डैम भी देख लिया है और अब थोड़ी सी भूख लग रही है। दोपहर के 1-1.5 बज चुके हैं, तो अब कुछ खाएंगे और फिर उसके बाद चलेंगे हम हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन। चलिए मेरे साथ। थैंक यू। सो गाइस, हम लोग हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं। चलते हैं अंदर देवीज फॉल में। यहाँ वाटरफॉल है, पोखरा सिटी में है ये एक्चुअल में। और वेलकम टू देवीज फॉल। कितने रुपए में? इंडियन मनी 50। सो गाइज, वी गोइंग टू विजिट एज पर मैप अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज, देवीज वाटरफॉल, समर हाउस। देखिए कुदरत का सबसे सुंदर नजारा वाटरफॉल का। पूरा सफेद पानी, हिमालयस वाटर है ये। जैसे मैंने बताया सेतु नदी में भी यही पानी आता है, और उसके बाद ये वाटरफॉल में भी सेम हिमालयस वाटर ही आता है। मैक्सिमम जूम किया है ताकि आप देख सके कि कितना वाइट पानी है। देवीज वाटरफॉल इसका नाम क्यों है वो हम आपको बताते हैं। देवीज वाटरफॉल, इसका नाम देवीज वाटरफॉल इसलिए रखा गया था, 1961 में देवी नाम की एक लड़की, नेपाली लड़की, जो इस वाटरफॉल में गिर गई थी और बहुत ढूंढने के बाद भी उसकी बॉडी यहाँ से नहीं मिली थी, इसलिए उस दिन के बाद इसका नाम देवीज वाटरफॉल रखा गया है। अब हम हमारे लास्ट डेस्टिनेशन में पहुँच चुके हैं, फेवा लेक। फेवा लेक पोखरा के अंदर बहुत ही फेमस लेक है। फेमस इसलिए है कि लेक के बीच में देवी माता का मंदिर है, जिसमें आपको बोट से जाना और आना रहेगा। और जो देवी माता है वो दालतारा नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। हजारों साल पुराना ये मंदिर पोखरा में है और यहाँ पूज्य देवी माता दालतारा माता हैं। चलते हैं हम मंदिर में। कुछ बेहतरीन शॉट्स कवर करते हुए, वैसे मुझे बोटिंग का बहुत शौक है, बट यहाँ पे पूरा बोटिंग के लिए अगर आपको पूरा घूमना है तो दैट इज़ वेरी कॉस्टली। तो मैंने सिर्फ डिसाइड किया है कि हम मंदिर तक जाएंगे और फिर मंदिर से हम वापस आएंगे, जो हमें 105 रुपये नेपालीज रुपीस में पड़ता है। और अगर हमें पूरा कवर करना है तो दैट शुड बी अ 2200 रुपये के आसपास रहेगा। सो फाइनली गाइज, हम लोग मंदिर में अंदर पहुंच चुके हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, तो हमें पूरा मंदिर बाहर से ही एक्सप्लोर करना रहेगा। और हम करते हैं मंदिर को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर, क्योंकि बहुत छोटा सा मंदिर है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, काफ़ी क्राउड भी है, बट हम लोग ये कवर करते हैं।